हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है, आपकी जो प्रिपरेशन है, वो भी काफ़ी हद तक अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम लोग लगातार आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपको लगातार आपके अकाउंटेंसी के जो लेक्चर्स हैं उनको हम लोग सीक्वेंसिंग से सीरियल से आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों में हमने आपको कई सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कराए हैं, कई सारे चैप्टर्स को कवरअप किया है। जैसा कि हमने पार्टनरशिप फंडामेंटल कम्प्लीटली कवरअप किया है, जिसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। इसके अलावा आई बटन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। पार्टनरशिप एडमिशन भी हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कई लेक्चर्स अपलोड किए हैं, जिसमें हमने पार्टनरशिप एडमिशन मेन्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सीखा, उसके अलग अलग तरीके के क्वेश्चन समझे। इसके अलावा हमने गुडविल का वैल्यूएशन वाला जो पोर्सन है उसको भी हम लोगों ने देखा। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या है, वो देखा। तो आज की जो क्लास होगी वो थोड़ी ज़्यादा अहम होने वाली है, क्योंकि जो एडमिशन का जो पोर्सन है, जो पार्टनरशिप एडमिशन का पोर्शन है, उसको कंसेप्चुअली समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका बेसिकली क्या कंसेप्ट है, क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं, जो बेसिकली फॉर्मेट होते हैं इसमें, कौन कौन से अकाउंट्स हम लोग बनाते हैं, ये सब कुछ हम लोग बेसिकली इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। यानी कंप्लीटली जो ये लेक्चर होने वाला है आपके लिए, वो कंसेप्चुअल लेक्चर होने वाला है। बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग इस एडमिशन वाले चैप्टर की आप तक पहुंचने वाली है। तो कोशिश होगी कि जो भी ये लेक्चर होगा आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होगा। तो चलिए फटाफट से आज की क्लास को हम लोग प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब ये सवाल बनता है आपके सामने कि जो एडमिशन ऑफ पार्टनर है, एडमिशन ऑफ पार्टनर जो है बेसिकली क्या चीज है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या ट्रीटमेंट होगा, ये सारे सवाल आपके दिमाग में बनते हैं। देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया कि मान लीजिए दो पार्टनर हैं, एक है रामू और एक है श्यामू। मान लीजिए रामू और श्यामू, इन दोनों लोगों ने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की और इस पार्टनरशिप फर्म को इन्होंने मान लीजिए एक नाम रखा। नाम जो रखा इन्होंने वो लिखा सपोज दैट आरएस लिमिटेड। ध्यान से बात को समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपके लिए होने वाली है। रामू और श्यामू दो लोगों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एक फर्म बनाई, जिस फर्म का नाम रखा इन्होंने आरएस लिमिटेड। ये मान लो आरएस लिमिटेड इन्होंने सपोज कि 1 अप्रैल 2019 को, यानी कोविड-19 से पहले इन्होंने स्टार्ट किया, कोविड-19 का फेस देखा, कोविड-19 के बाद इसको स्टार्ट मतलब चलाया, और आज की डेट में यानी कि 2023 आते आते ये फर्म इतनी अच्छी पोजीशन पे पहुंच गई कि आज की डेट में ये लोग 1 लाख रुपए औसतन हर महीने कमा लेते हैं। कितना पैसा कमा लेते हैं? 1 लाख रुपए। यानी कोविड-19 से पहले बिजनेस इन्होंने चालू किया, कोविड-19 की मार जो है वो भी इन्होंने झेली, उसके बाद ये फिर से वापस खड़े हुए, फिर से बिजनेस को रन किया, और आज सन 2023 में इनकी ये वैल्यू है कि हर महीने का 1 लाख रुपए ये लोग कमा लेते हैं। और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो मान लीजिए 3:2 का है। इसका ये मतलब आप कह सकते हैं कि इसमें जो मिस्टर रामू है वो करीब 60,000 रुपये पाते हैं और मिस्टर श्यामू जो है वो 40,000 रुपये पाते हैं। ये इनकी कहानी थी, यानी ये इतना इतना पैसा कमा रहे थे, मजे की जिंदगी जी रहे थे, ठीक है। लेकिन ये चाहते थे कि इनके बिजनेस को थोड़ा सा और एक्सपैंड करना था, और एक्सपैंड करने के लिए इन्हें एक पार्टनर की, यानी एक और एक्स्ट्रा पर्सन की आवश्यकता थी, ताकि इनका बिजनेस और बढ़िया तरीके से चलने लगे। इन्होंने क्या किया, इनको एक पार्टनर मिला, इन्हीं का अपना फ्रेंड था जिसका नाम क्या था, पप्पू। रामू, श्यामू और पप्पू, इनका एक तीसरा फ्रेंड कौन है, पप्पू। पप्पू इनसे मिलता है, तो पप्पू ने इनसे रिक्वेस्ट की कि भाई हमको आप पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या है कि पार्टनर बना लीजिए। और रामू श्यामू भी, चूंकि पार्टनर की रिक्वायरमेंट तो थी, चाहते थे कि यार कोई बंदा पार्टनर बन जाए, लेकिन एक दिमाग में ये भी क्वेश्चन था कि भाई सारा का सारा जो रिस्क है इस बिजनेस को चलाने में, कोविड-19 में हमने रिस्क झेला, कोविड-19 के बाद इतनी मेहनत की और बिजनेस को हमने इस पोजिशन पे पहुंचा दिया कि 1 लाख रुपये हम लोग मंथली कमा रहे हैं। अब चूंकि पप्पू जो है जब किसी चलते हुए बिजनेस में एडमिट होंगे, उसके अंदर आएंगे, तो इनको रिस्क तो नहीं है, मेरिस क्या है, कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि जैसे ही बिजनेस में आएंगे, बिजनेस 1 लाख रुपए तो मंथली कमा ही रहा है, तो यानी इनको भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट का हिस्सा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब सामने ये क्वेश्चन है रामू और श्यामू के कि आखिर हम पप्पू को पार्टनर बनाए तो क्यों बनाए, यानी रामू श्यामू जो है वो पार्टनर पप्पू को बनाए तो क्यों बनाए। अगर वो बनाएंगे तो जाहिर है कुछ ना कुछ तो पैसा वो ले ही लेंगे। तो यानी रिस्क बियर करके इन दोनों पुराने पार्टनर ने अपने फर्म की एक गुडविल क्रिएट की। गुडविल का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा एवरेज अर्निंग एबिलिटी, यानी इन्होंने अपने बिजनेस की अर्निंग एबिलिटी क्रिएट की है। तो इस गुडविल के बदले में
गुडविल के बदले में रामू और श्यामू को कुछ पैसे चाहिए होंगे, और वो पैसे देगा कौन? वो पैसे कौन देगा? वो पैसे देने पड़ेंगे मिस्टर पप्पू को। बात समझ में आ गई? यानी रामू और श्यामू ने बिजनेस को स्टार्ट किया, रिस्क झेली, बिजनेस को प्रॉफिट वाली पोजीशन पे पहुंचाया, यानी बिजनेस की गुडविल क्रिएट की। अब गुडविल क्रिएट की, जिस गुडविल का मजा आप किसको मिलने वाला है? पप्पू को मिलने वाला है। तो पप्पू इस मजे का तो आनंद उठाएंगे, प्रॉफिट में हिस्सा तो पाएंगे, लेकिन उसके बदले में क्या देना पड़ेगा? इन्हें गुडविल का पैसा देना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज है, गुडविल का पैसा जो देंगे वो रामू श्यामू को स्पेशली देंगे, इसलिए क्योंकि इन्होंने बिजनेस को अर्निंग वाली पोजिशन में पहुंचाया, और बिजनेस में अब आगे वो लगे रहेंगे तो इन्हें बिजनेस में कैपिटल भी लेकर आनी पड़ेगी। तो क्या क्या चीजें लेके आनी पड़ेंगी? एक तो सबसे पहले गुडविल के रूप में इन्हें पैसा लेके आना पड़ेगा, और दूसरी क्या चीज लेके आनी पड़ेगी? कैपिटल लेके आना पड़ेगा। वापस ध्यान से समझिएगा इस बात को। यानी जो मिस्टर पप्पू हैं, ये जब बिजनेस में एडमिट होंगे, बिजनेस के अंदर आएंगे, तो सबसे पहले ये गुडविल का अमाउंट देंगे। क्या देंगे? गुडविल का अमाउंट देंगे। जो भी गुडविल का अमाउंट तय किया जाएगा वो ये अमाउंट देंगे। इस गुडविल वाले पैसे को क्या किया जाएगा? इस वाले पैसे को ओल्ड पार्टनर मीन्स यहाँ पे ओल्ड पार्टनर कौन है? जो कि रामू और श्यामू है, ये ओल्ड पार्टनर इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इसे क्या करेंगे? ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और किस रेशियो में करेंगे? ये इसे करेंगे सैक्रीफाइजिंग रेशियो में। इस बात को जरा ध्यान रखिएगा, ओल्ड पार्टनर रामू श्यामू इसे सैक्रीफाइजिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दूसरी चीज मिस्टर पप्पू जो पैसे देने वाले हैं वो किसके लिए देने वाले हैं? ये कैपिटल के रूप में भी देने वाले हैं। तो शेयर ऑफ कैपिटल की जगह आप समझिए केवल कैपिटल लिखिए इसे। ये केवल कैपिटल देने वाले हैं, यानी कैपिटल भी ये क्या करेंगे? इंट्रोड्यूस करेंगे, ताकि बिजनेस में ज्यादा कैपिटल लगेगी तो बिजनेस और बढ़िया तरीके से रन करेगा और बढ़िया तरीके से ग्रोथ करेगा। ये दो बातें समझ में आ गई। नया पार्टनर आएगा तो गुडविल का पैसा लाएगा और कैपिटल का पैसा लाएगा। कितनी चीज? एक चीज और। अब सपोज दैट मान लीजिए कि रामू श्यामू ने, चूंकि बिजनेस ये पहले से चला रहे हैं, तो बिजनेस में तमाम सारी ऐसी चीजें होंगी, बिजनेस के अंदर बहुत कुछ ऐसा होगा जिसको बनाने में पूरी की पूरी जो मेहनत है वो किसने की है? रामू और श्यामू ने। यानी जो बिजनेस है वो पहले से चल रहा, तो जाहिर सी बात है बिजनेस को स्टैंड करने में, बिजनेस को खड़ा करने में जो बेजोड़ मेहनत की है वो रामू और श्यामू ने मिलकर की है। तो अब चूंकि जब नया पार्टनर मिस्टर पप्पू भी इसमें एडमिट हो जाएगा, तो उन सारी चीजों में मालिकाना हक किसका हो जाएगा? पप्पू का भी हो जाएगा। भाई रामू और श्यामू ने कोई चीज बनाई, और जब पप्पू भी पार्टनर बन जाएंगे तो अब पप्पू भी तो उसके मालिक हो जाएंगे। तो होता क्या है कि जब रामू और श्यामू ने अगर कुछ ऐसा बनाया है जो कि जिसमें पार्टनर पप्पू को अब नहीं बनना चाहिए, उन सारी चीजों का पैसा क्या होता है? वो पहले से डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है। इसीलिए जब पार्टनर हम बनाते हैं नए पार्टनर को, तो उस समय हम क्या करते हैं? अपनी फर्म की एसेट्स और जो लाइबिलिटीज हैं इन्हें हम क्या कर लेते हैं? इन्हें रीवैल्यूएट कर लेते हैं, रीवैल्यूएट करते हैं। रीवैल्यूएट का मतलब हम वैल्यू चेक करते हैं कि वैल्यू इनकी पहले से घटी है या बढ़ी है। तो ऐसा हो सकता है कि एसेट और लाइबिलिटीज की वैल्यू घटने और बढ़ने से इन्हें प्रॉफिट हो। तो अगर इन्हें प्रॉफिट होगा तो जाहिर है वो प्रॉफिट जो होगा वो किसका है? रामू और श्यामू का है। तो पप्पू के आने के वक्त रामू और श्यामू क्या करेंगे? असेट और लाइबिलिटीज को रिवेल्युएट कर लेंगे, उससे जो भी प्रॉफिट निकलेगा वो रामू श्यामू अपना आपस में बांट लेंगे। ठीक है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि हाँ लॉस हो सकता है, तो अगर लॉस भी होगा तो लॉस भी इन्हीं को बांटना पड़ेगा, उससे पप्पू से कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको। दूसरी चीज, अगर इन लोगों ने पहले से फर्म के अंदर कोई रिजर्व क्रिएट करके रखे हैं, रामू और श्यामू ने क्या किया? फ्यूचर के लिए रिजर्व क्रिएट करके रखा, रिजर्व का इस्तेमाल नहीं हुआ और पप्पू भाई साहब आ गए, तो समझदारी क्या है कि पप्पू के आने से पहले वो रिजर्व आप क्या करें? आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लें। ठीक है। या इसी तरीके से कोई पुराना प्रॉफिट और लॉस, कोई पिछले साल का अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट और लॉस पड़ा है, ये प्लान था कि आगे इसको बांट लिया जाएगा, अभी नहीं बांटा, और पप्पू के आने के वक्त अभी भी वो बांटा नहीं गया है, तो अब समझदारी क्या है कि हम इसको भी आपस में बांट लें और उसमें पप्पू का कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं बांटेंगे और पप्पू पार्टनर बन जाएंगे तो 4 दिन के बाद कहेंगे भैया इसमें हमारा भी हिस्सा है। तो यानी पप्पू के आने से पहले ये सारी चीजों को हमें क्या कर लेना चाहिए? क्लियर कर लेना चाहिए। अगर आप क्लियर कर लेंगे तो फिर फ्यूचर में दिक्कतें कम आएंगी। मोटी मोटी बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। मैं एक बार फटाफट से पीछे ले चलता हूँ और इन चीजों को मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप इस चीज को स्पष्ट कर पा रहे होंगे तो आप यकीनन आपको ये कंसेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फटाफट से 2 मिनट में इसको रिवाइज करते हैं। देखिए,
मैंने आपको क्या बताया कि रामू और श्यामू दो लोगों ने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की, जिसका नाम क्या रखा इन्होंने, आरएस लिमिटेड। ये कब स्टार्ट किया था, 1 अप्रैल सन 2019 को, तकरीबन 4-5 साल की बेजोड़ मेहनत के बाद इस फर्म को इस लायक बना दिया कि 1 लाख रुपए ये लोग मंथली कमा सकते हैं, जिसको ये लोग 3 और 2 के रेशियो में आपस में बांटते हैं। जब बांटते हैं तो मान लीजिए बांटते होंगे तो 60 और 40 हजार रुपए ये बांटते होंगे। इन्होंने क्या किया, पप्पू को पार्टनर बना लिया। अब चूंकि पप्पू जब पार्टनर बनेगा तो पप्पू को तो कोई रिस्क है नहीं, इसलिए रिस्क नहीं है, भैया बिजनेस पहले से चल रहा था, 1 लाख रुपए महीने का कमा ही रहे, तो पप्पू को भी तुरंत से पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो इन सारा मजा किसका है, पप्पू का है। तो भैया सारा मजा पप्पू को अगर रामू श्यामू दे रहे हैं तो कुछ तो इसके बदले में लेंगे ना, बिल्कुल लेंगे। तो ये क्या लेंगे, इसके बदले में रामू श्यामू को क्या चाहिए, गुडविल का पैसा। गुडविल क्या चीज है भाई, 4-5 साल मेहनत करके बिजनेस की अर्निंग एबिलिटी को इन्होंने मेंटेन किया, तो उसके बदले में गुडविल का पैसा चाहिए। कौन पैसा देगा, ये देंगे पप्पू। इस पैसे को क्या करेंगे, पप्पू जो पैसा गुडविल का लेकर के आएंगे उसे रामू और श्यामू आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये लोग सैक्रिफाइजिंग के रेशियो में। सैक्रिफाइजिंग रेशियो क्या चीज होती है, ये आपको अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो पप्पू होंगे, एक तो गुडविल का पैसा देंगे और एक किसका पैसा देंगे, कैपिटल का पैसा देंगे, क्लियर है। सैक्रिफाइजिंग का यह मतलब क्या है कि जब नया पार्टनर आ जाएगा तो नए पार्टनर को भी कुछ प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पप्पू से ऐसा प्रॉमिस किया गया कि भाई आपको हम 1/5 अमाउंट देंगे, 1/5 का मतलब है कि 1 लाख रुपए का हम 1/5 किसको दे देंगे, पप्पू को दे देंगे। तो 1/5 अगर आपने पप्पू को दे दिया तो अब बचे कितने, 80,000 रुपए। अब 80,000 रुपए ही बांटे जाएंगे किसमें, रामू और श्यामू में। तो रामू का भी कुछ पैसा नुकसान हो गया और श्यामू का भी कुछ नुकसान हो गया, तो जितना जितना नुकसान होता है उसको बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग, क्लियर है बात, ठीक है। तो यानी कि बिजनेस को रामू और श्यामू ने मिलकर जब खड़ा किया था, स्टैंड किया था, तो उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके हिसाब किताब अभी क्लियर नहीं होते हैं। जैसे कोई पुराना रिजर्व पड़ा हुआ है जिसको इन्होंने फ्यूचर के लिए बना के रखा था, तो नए पार्टनर के आने से पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस पुराना पड़ा हुआ था अनडिस्ट्रीब्यूटेड, उसको भी क्या करेंगे, पुराने पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और जब नया पार्टनर आता है तो असेट और लाइबिलिटीज को भी रीवैल्यूएट करते हैं, उस पर भी जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो भी पुराने पार्टनर क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ये सारी की सारी चीजें जो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, ये ओल्ड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती हैं और ओल्ड पार्टनर में ही डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। तो जो एसेट और लाइबिलिटीज का रीवैल्यूएशन होता है, इसके लिए हम लोग एक अलग से अकाउंट पढ़ते हैं, जिस अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बोलते हैं इसे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ध्यान से समझिएगा, इसके अंदर यही बेसिक चीज आपको पढ़ानी है कि जो है अकाउंटेंसी हम करने वाले हैं पार्टनरशिप के अंदर, जो अकाउंटिंग करने वाले हैं उसमें जितने अकाउंट्स बनते हैं उन्हीं को मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूँ। तो जो पहला अकाउंट हम लोग बनाते हैं वो कौन सा अकाउंट बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, क्लियर है बात। जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है आपका, बेसिकली ये क्या है, ये एसेट और लाइबिलिटीज की वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज अगर होती है उनको शो करने का ये काम करता है। बेसिक सा फॉर्मेट है इसका, एक पार्टिकुलर होता है, एक आपका अमाउंट होता है, अगेन पार्टिकुलर होता है, अगेन अमाउंट होता है। तो ये बात तो आप सब जानते होंगे, चूंकि 12th क्लास में ये चीज बहुत सी बहुत कॉमन है और आमतौर पर सारे चैप्टर्स में जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो इस तरीके के अकाउंट्स हम लोग हमेशा से बनाते रहे। ये हो गया पार्टिकुलर, ये हो गया अमाउंट, ये अगेन हो गया पार्टिकुलर और ये हो गया अमाउंट, ठीक है। इसके डेबिट में हम क्या लिखते हैं, इसके डेबिट में अगर कोई एसेट डिक्रीज हो जाती है तो हम क्या लिखते हैं, डिक्रीज ऑफ एसेट। अगर कोई एसेट डिक्रीज होगी, डिक्रीज होना आपके लिए क्या होता है, एक प्रकार का लॉस है, और उस लॉस को हम क्या कहां लिखते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर कभी कोई एसेट आपकी इंक्रीज हो जाए, भाई अगर एसेट डिक्रीज हो सकती है तो क्या इंक्रीज नहीं हो सकती, ऑब्वियसली इंक्रीज भी हो सकती है, जैसे लैंड की वैल्यू इंक्रीज हो सकती है, तो इंक्रीज होगी तो कहाँ आ जाएगी, क्रेडिट में आ जाएगी। ठीक ऐसे ही अगर कभी कोई लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज हो गई, इंक्रीज ऑफ लाइबिलिटी या इंक्रीज इन लाइबिलिटी भी कह सकते हैं, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो वो भी कहाँ आ जाएगी, डेबिट में आ जाएगी। लाइबिलिटी इंक्रीज हो सकती है तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि लाइबिलिटी आपकी डिक्रीज भी हो सकती है, तो अगर कभी लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाए तो वो क्रेडिट में आ जाएगा, तो डिक्रीज ऑफ लाइबिलिटी जो होगा आपका
वो क्रेडिट में आ जाएगा। क्लियर है? अब सपोज दैट इसमें क्रेडिट का प्रोपोर्शन ज्यादा है डेबिट से, अगर क्रेडिट का प्रोपोर्शन ज्यादा है डेबिट से तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, और डेबिट का प्रोपोर्शन ज्यादा है तो आपकी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। क्लियर है ये चीज? यानी हम इसमें क्या करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें टोटल करते हैं, और टोटल करने के बाद यानी हम क्रेडिट का टोटल करेंगे। हम सपोज हमने ये लिखा हुआ, यहां मान लीजिए हमने क्या किया, एक मिनट इसको हम क्रेडिट का टोटल नहीं लिखते हैं, नॉर्मल आपको समझा देते हैं, आप समझ लीजिएगा जरा इसको। देखिए इसमें हम टोटल लिखेंगे जो ग्रेटर टोटल होगा, और इस तरफ अगर आपका बैलेंस आएगा तो ये क्या होगा, ये प्रॉफिट निकलेगा। प्रॉफिट किस चीज का है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। और इस तरफ बैलेंस आएगा तो क्या होगा, लॉस निकलेगा। ठीक है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा उसे हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिसके लिए हम यहाँ जो लिखते हैं वो लिखते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल। मान लो दो पार्टनर थे आपके रामू श्यामू, तो दोनों में हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो भी रेशियो रहा होगा उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेम अगर लॉस होगा तो लॉस को भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बाई पार्टनर्स कैपिटल लिखेंगे, उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। थोड़ा सा नीचे जरा समझ लेते हैं, कुछ नोट्स वाली बातें हैं जिनको मैं बता देता हूँ। देखिए जब भी आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, इस बात का गौर करेंगे आप कि अगर आपका क्रेडिट साइड ग्रेटर है किससे, डेबिट साइड से, तो जो आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा प्रॉफिट। अगर आपका डेबिट साइड ग्रेटर है क्रेडिट साइड से, तो जो अमाउंट निकलेगा वो क्या निकलेगा, लॉस निकलेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना? तो ये इस्तेमाल करके हम लोग बेसिकली क्या बनाते हैं, रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। फिर रिवॉल्यूशन अकाउंट के बाद जो आपका अकाउंट बनता है वो इसके अंदर बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले क्या बनेगा, इसमें रिवॉल्यूशन अकाउंट बनेगा। जब रिवॉल्यूशन आपको बनाना आ जाएगा, आप कंप्लीट कर लेंगे, देन उसके बाद आपका जो अमाउंट बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स जो कैपिटल अकाउंट होगा आपका, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका होगा वो इसका सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट है। थोड़ा सा आपको टेक्निकली और ज्यादा यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। रिवॉल्यूशन अकाउंट बहुत आराम से हम लोग बना लेते हैं, पार्टनर्स कैपिटल भी इजिली बना लेंगे अगर इसका कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर कोई डाउट की सिचुएशन रहेगी तो थोड़ा सा आपको ये तकलीफ दे सकता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरे चीज को बहुत ठीक से देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें जो आपके कॉलम बने हुए हैं वो सेम वही प्रोसीजर है। पहला कॉलम आपका पार्टिकुलर्स का है, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम जो है वो पार्टनर्स के नेम को रिप्रेजेंट करेगा। तो यानी जो पहला कॉलम है वो है आपका क्या, पार्टिकुलर। फिर ये आपका था क्या, रामू। दूसरा क्या था, श्यामू। तीसरा पप्पू। रामू, श्यामू और पप्पू, और ये चीज क्या हो जाएगी, आपकी पार्टिकुलर हो जाएगी। क्लियर है ये? एक बात और, कैपिटल आप बचपन से जानते हैं कैपिटल क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी का रूल पता है कि लाइबिलिटी अगर प्लस होती है तो कहाँ जाती है, क्रेडिट साइड में, और माइनस होती है तो कहाँ जाती है, डेबिट साइड में। और एक बात आपको और हमने पढ़ाई है, अगर आप हमारे लेक्चर्स को फॉलो करते रहे हैं तो आपने पढ़ा होगा कि जब भी कभी बैलेंस बीडी हम लिखते हैं, जब भी कभी हम बैलेंस बीडी लिखते हैं वो हमेशा एसेट का बैलेंस बीडी उसके प्लस साइड यानी डेबिट साइड में जाता है, लाइबिलिटी का बैलेंस बीडी कहाँ जाता है आपका, वो जाता है क्रेडिट साइड में, क्योंकि इसका क्रेडिट प्लस साइड होता है। तो हमने यहाँ बैलेंस बीडी लिख दिया। बैलेंस बीडी का मतलब क्या होता है, बैलेंस बीडी का मतलब होता है ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। जो पार्टनर है आपके रामू श्यामू, इनकी शुरुआत में कैपिटल क्या लगी थी, ये होगा क्या, बैलेंस बीडी होगा। यहां तक सब कुछ ठीक चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, ऐसा कुछ भी नहीं किसी को है, ठीक है ना? चलिए, तो बैलेंस बीडी का मतलब ओपनिंग कैपिटल। नंबर दो पर हम लोग क्या लिखते हैं, इसमें नंबर दो पे हम लोग लिखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में होने वाला प्रॉफिट या लॉस। तो अगर प्रॉफिट आया होगा तो प्रॉफिट से आपकी कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी। कैपिटल बढ़ेगी मतलब प्लस होगी, तो कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। अगर लॉस आया होगा, ये हम किसके लिए लिख रहे हैं, प्रॉफिट के लिए। और अगर कभी लॉस आएगा तो हम इधर भी लिखेंगे,
हालांकि प्रॉफिट और लॉस दो में से कोई एक ही चीज होगी, ऐसा नहीं होता है कि प्रॉफिट लॉस एक ही साथ हो जाएंगे, ये नहीं होगा, एक ही चीज होगी। तो लॉस आएगा तो डेबिट में, लॉस टू डेबिट में, लॉस आएगा कैपिटल क्या होगी माइनस होगी, कैपिटल माइनस होगी माइनस का मतलब डेबिट, तो कहां जाएगा डेबिट में। इसके अलावा नंबर जो थर्ड होगा उसमें हम लोग लिखते हैं बाई कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का मतलब ये है कि जो नए पार्टनर थे मिस्टर पप्पू, ये कुछ पैसे लेके आएंगे, उन्हें हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में। और चौथे नंबर पे मिस्टर पप्पू जो है कुछ पैसा देंगे गुडविल का, और उस गुडविल को रामू और श्यामू अपने सैक्रिफाइजिंग रेशियो में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। यहां तक की बात ठीक से समझ में आ रही, कोई कंफ्यूजन या कोई इस तरीके की बात तो नहीं जिससे कोई डाउट्स आपको क्रिएट हो रहे हैं? क्लियर है यहां तक? सबसे नंबर फर्स्ट पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस बीडी, किधर लिखेंगे क्रेडिट साइड में। बैलेंस बीडी का मतलब है ओल्ड पार्टनर जो है रामू श्यामू, इनकी ओपनिंग कैपिटल। नंबर दो पे क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। तो अगर प्रॉफिट आया होगा तो क्रेडिट में, लॉस आया होगा तो डेबिट में। मैं इसमें स्टार बना देता हूं, इसका मतलब है कि दो में से कोई एक ही सिचुएशन रहेगी। नंबर थर्ड पे लिखेंगे कैश, कैश का मतलब है कैपिटल ब्रिंग बाई न्यू पार्टनर। और नंबर फोर्थ पे लिखेंगे गुडविल, जो पप्पू गुडविल लेके आएंगे, मतलब नया पार्टनर जो गुडविल लेके आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहां तक सब कुछ ठीक चल रहा, कहीं कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अब इसके बाद हम लोगों को दो तीन चीजों पर और ध्यान देना है। अगर मान लीजिए ओल्ड पार्टनर ने मिलके कोई रिजर्व क्रिएट किया हुआ है, जनरल रिजर्व जिसे हम बोलते हैं, तो इसे हम रिजर्व लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दिया होगा, उसे भी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई आपके पास पुराना प्रॉफिट या लॉस दे रखा है, जिसे आप अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट भी कह सकते हैं, उसे भी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अगर प्रॉफिट पुराना दिया होगा तो क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और पुराना अगर कोई लॉस दिया होगा, ऐसा भी हो सकता है लॉस दिया हो, तो उसे हम कहां डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर है ये? इसके अलावा क्वेश्चन में कभी कभी आपको एक गुडविल दे रखी होती है, जो ये दे रखी होती है कहां पे, एसेट साइड में, जो क्वेश्चन दिया होगा उसमें ही एसेट में गुडविल दी होगी, तो उसे भी हम ओल्ड पार्टनर में क्या करते हैं, रिटर्न ऑफ कर लेते हैं। किधर रिटर्न ऑफ करते हैं, डेबिट साइड में। और एक एंट्री कभी कभी किसी क्वेश्चन में आपको दे रखी होगी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नाम से, ये सब क्वेश्चंस में नहीं, बहुत रेयर क्वेश्चन में होगी। तो जब कभी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नाम से एंट्री होगी तो इसको भी आप सिंपल क्या करेंगे, डेबिट साइड में ओल्ड पार्टनर में ओल्ड पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इतना करने के बाद आपका क्वेश्चन जो होगा पार्टनर्स कैपिटल लगभग कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल क्या करेंगे आप, टोटल करेंगे। टोटल किस तरफ का करेंगे, पहले क्रेडिट साइड का करेंगे, वही क्रेडिट साइड का टोटल तीनों में इधर लिख देंगे, और फिर आप क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे, मतलब ये सारे नंबर आप माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो यहां पर बचेगा वो हो जाएगा आपका क्या, टू बैलेंस सीडी, और यही बैलेंस सीडी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहां तक तो चीजें समझ में आ रही, बहुत बेसिक सा तरीका है, बहुत बेसिक तरीके से आप क्या करते हैं यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल प्रिपेयर कराते हैं। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमें तुरंत बताइएगा, क्योंकि चीजें स्पष्ट होनी चाहिए, तभी जाके ये आपके लिए इंटरेस्टिंग बनेगा, जो हेल्पफुल होगा आपके लेक्चर, तभी हो पाएगा। ठीक है, एक बार मैं आपको तुरंत से रिवाइज करा देता हूँ इसमें कितने स्टेप होते हैं। पार्टनर्स कैपिटल का स्टेप नंबर वन क्या है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, बैलेंस बीडी, किधर लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। नंबर दो पे क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस, अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में, अगर लॉस होगा तो डेबिट साइड में। नंबर तीन पे क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट का मतलब है जो न्यू पार्टनर है मिस्टर पप्पू, वो कैपिटल जो लेकर आएगा वो लिखेंगे। नंबर चार पे लिखेंगे गुडविल, जो न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आएगा उसे हम ओल्ड पार्टनर में सैक्रिफाइजिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नंबर पांच पे रिजर्व लिखेंगे, जिसे हम ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नंबर छह पे प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे, जिसे हम ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नंबर सात में अगर कभी किसी क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल क्वेश्चन के एसेट साइड में दी हो तो उसे हम डेबिट साइड में रिटर्न ऑफ करते हैं, ओल्ड रेशियो के अंदर इसे रिटर्न ऑफ किया जाता है। और एक क्वेश्चन में कभी कभी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया होता है, तो अगर कभी दिया हो तो उसे भी हम लोग डेबिट साइड में ही ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद हम आंसर निकालने के लिए टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का, और क्रेडिट में से हम डेबिट साइड के टोटल को माइनस करेंगे, तो हमें बैलेंस बीडी यानी कि इसके आंसर जो है वो पता चल जाएंगे। तो ये जो था आपका वो क्या था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसी क्वेश्चन में आपको कैश अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट भी तैयार करनी पड़ती है।
तो कैश अकाउंट बनाना आपके लिए बहुत आसान होता है, मैं उसके बारे में बता देता हूं, और बैलेंस शीट के बारे में भी हम आपको इसी क्लास के अंदर बताएंगे। देखिए, तो इसे हम या तो कैश अकाउंट बोलते हैं या तो इसे हम बैंक अकाउंट बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में कैश इन हैंड दिया है तो कैश अकाउंट बनाना है आपको, और अगर कैश एट बैंक दिया है तो इसे क्या बनाना है, बैंक अकाउंट बनाना है। दो में से कोई एक अकाउंट आपको बनाना होता है। कुछ लोग कहते हैं कि इसे बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बहुत कम समय लगता है, इसे आप बना लें। बनाने से क्या होता है कि आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है, और एक जो अच्छी प्रेजेंटेशन बनेगी और एक एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन इसका क्रिएट होता है। तो आपको मालूम होगा इसके फॉर्मेट में ये आपका जो होगा पार्टिकुलर हो जाएगा, ये आपका अमाउंट रहेगा, अगेन ये आपका पार्टिकुलर होगा, और ये आपका अमाउंट होगा। कैश अकाउंट का जो डेबिट होता है वो प्लस होता है, क्रेडिट होता है माइनस होता है। कैश अकाउंट क्या होता है, एसेट होता है। एसेट का बेसिक रूल क्या है कि एसेट अगर बढ़ेगी तो डेबिट साइड में, घटेगी तो क्रेडिट साइड में। और आपको ये भी पता है कि बैलेंस बीडी हमेशा प्लस साइड में होता है। लायबिलिटी का बैलेंस बीडी होता है क्रेडिट में, क्योंकि वहां क्रेडिट प्लस होता है, और एसेट का बैलेंस बीडी होता है डेबिट में, क्योंकि यहाँ डेबिट प्लस होता है। तो जो कैश या बैंक का जो बैलेंस बीडी होगा, यानी जो क्वेश्चन में एसेट साइड में अमाउंट दिया होगा कैश या बैंक का, वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। इसके अलावा जो नया पार्टनर आएगा वो कैपिटल का पैसा लेकर आएगा, कौन लेकर आएगा, न्यू पार्टनर। जो कैपिटल का पैसा लेकर आएगा उसे आप न्यू पार्टनर के नाम से यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि वो न्यू पार्टनर पैसा लेकर आएगा तो कैपिटल क्या होगी, कैश क्या होगा, बढ़ेगा, तो डेबिट में लिखेंगे। इसके अलावा जो गुडविल का पैसा लेकर आएगा नया पार्टनर, उससे भी पार्टनर्स कैपिटल बढ़ेगी, तो उसे भी क्या करेंगे, यहीं पे लिख लेंगे। और उसके बाद आप सिंपल क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। ये टोटल हो जाएगा आपका डेबिट का, और इसी डेबिट वाले टोटल को क्रेडिट में लिखेंगे, और देन ऊपर वाले माइनस कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा बैलेंस सीधी। बाकी कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जहां पर कैश के कुछ ट्रांजेक्शन्स कैपिटल अकाउंट में दिए होंगे, तो अगर वो दिए होते हैं तो उसे हम अपोजिट कॉपी करते हैं। यानी अगर डेबिट में कोई कैश का ट्रांजेक्शन है तो कैश अकाउंट में क्रेडिट में, और अगर क्रेडिट में कोई कैश का ट्रांजेक्शन है तो कैश अकाउंट में डेबिट में। बाकी बेसिक में आप यही ध्यान रखिए कि सिर्फ हमें बेसिक इतनी ही बात समझनी है, बाकी चीजें जब हम धीरे धीरे क्वेश्चंस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो जब डिफिकल्टीज आती रहेंगी तो उनको वहीं पर हम सॉल्व करेंगे। अभी हमें बेसिक फॉर्मेट सिर्फ समझना है, तो बेसिक के लिए इतना ही नफर है। अब देखिए, फिर लास्ट में इसमें बनती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को बनाना आपके लिए आसान है, इसलिए आसान है क्योंकि बैलेंस शीट ऑलरेडी आपके पास क्वेश्चन में दी होती है। हालांकि जो बैलेंस शीट आपके पास क्वेश्चन में दे रखी होती है वो ओल्ड बैलेंस शीट में होती है। अभी आप जो बैलेंस शीट बनाने वाले हैं वो कौन सी बैलेंस शीट है, ये न्यू बैलेंस शीट है। इसका मतलब ये होगा कि जो आपके पास क्वेश्चन में पुरानी बैलेंस शीट दे रखी है सिर्फ वही बैलेंस शीट को कॉपी करना है। फर्क इसमें इतना होगा कि जिन जिन वैल्यू में चेंजेस हुए हैं वो सारी वैल्यूज को चेंज कर देना है। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप सब जानते हैं, एक तरफ होती हैं लायबिलिटीज और एक तरफ होती हैं इसकी एसेट्स। इसकी लायबिलिटीज वाला पोर्शन जो होता है आपका वो डेबिट साइड वाला पोर्शन होता है, और एसेट वाला पोर्शन आपका जो होता है वो क्रेडिट साइड वाला पोर्शन होता है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इनकी कैपिटल। अब मान लो रामू, श्यामू, पप्पू, ये तीन पार्टनर हैं, तो इनकी जो कैपिटल है वो बैलेंस बीडी वाली नहीं लिखेंगे। ये कैपिटल कौन सी होंगी, ये जो कैपिटल हम यहाँ लिखने वाले हैं, ये कैपिटल हम लिखने वाले हैं कौन सी, बैलेंस सीडी वाली, जो हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल में आंसर निकाला था लास्ट में। इसके अलावा जो आपके पास अदर लाइबिलिटीज हैं, अदर लाइबिलिटीज में यानी क्रेडिटर, बिल्स पेबल, लोन, ये जो भी कुछ दिया हुआ है, इनमें अगर कोई अमाउंट बढ़ रहा है एज पर एडजस्टमेंट या एज पर गिवन इन्फॉर्मेशन, तो उसे आप बढ़ा लेंगे, और अगर कोई वैल्यू आपकी घट रही होगी तो उसे क्या करेंगे, घटा लेंगे। मान लो क्रेडिटर आपका घट रहा है तो माइनस कर देंगे, बढ़ रहा होगा तो बढ़ा देंगे। वैसे ही जब इस तरफ आएंगे तो जो आपने कैश अकाउंट या जो बैंक अकाउंट बनाया हुआ है उसका जो भी बैलेंस बैलेंस सीडी निकलेगा वो बैलेंस आप लिख लेंगे। उसके बाद जितनी भी आपकी अदर एसेट्स हैं उन सारी एसेट्स को हम लिखेंगे रीवैल्यूड वैल्यू पर, यानी अगर बड़ी होंगी तो बढ़ा के लिखेंगे, घटी होंगी तो घटा के लिखेंगे। और देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे, इसका जो टोटल होगा आपका वो इक्वल आ जाएगा।
तो ये बेसिक एक फॉर्मेट हमने आपके साथ डिस्कस किया है। बस हमने ये बताने की कोशिश की कि पार्टनरशिप में जब एडमिशन पढ़ते हैं तो हमें चार अकाउंट बनाने पड़ते हैं। सबसे पहला अकाउंट हमें बनाना पड़ता है कौन सा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरे नंबर पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरे नंबर पे कैश अकाउंट और चौथे नंबर पे बैलेंस शीट। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद जो सवाल एक क्वेश्चन लेंगे अगले लेक्चर के अंदर, उस क्वेश्चन को हम आपको डिस्कस करके दिखाएंगे किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपके लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन के हेल्पफुल रहा होगा। कहीं पर कोई डाउट रह गया है, कोई क्वेरी रह गई है तो उसे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखिए। जो भी सजेशन है उनको भी आप लिखिए। लेक्चर अच्छा लगा हो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो आप कर लें, ताकि अगर आप 12th स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि ये लेक्चर्स आपको मिलते रहें तो लगातार हम लोग आपके साथ आपके एग्जाम तक रहेंगे और आपको रेगुलर बेसिस पर लेक्चर प्रोवाइड करते रहेंगे, तो सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।